हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल कुछ भी में। आइए आज हम बात करते हैं धातु और अधातु में क्या अंतर है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक गुणों के आधार पर क्या अंतर होती है। धातुएं चमकदार होती हैं, ये चमकती हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा। अधातुएँ चमकदार नहीं होती हैं, ये चमकती नहीं हैं। अपवाद में है आयोडीन एवं ग्रेफाइट, ये चमकती हैं लेकिन धातुएँ नहीं होती हैं। तो आइए अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं, धातुएं आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं। ये क्या होता है कि आघातवर्ध मतलब इसको पीटने पर ये फैल जाती हैं। जैसे हम लोहा को आग में जब इसको गर्म करते हैं उसके बाद हथौड़े से पीटने पर ये फैलती हैं, टूटती नहीं हैं, और ये तन जाती हैं लेकिन अलग नहीं होती हैं, टूटती नहीं हैं। और जो अधातुएं हैं आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती हैं, ये भंगुर होती हैं, मतलब कि ये तनती नहीं है, फैलती नहीं है, इसको पीटने पर ये तुरंत टूट जाती हैं। जैसे नमक हो गया, कोयला हो गया, इसको जब पीटेंगे तो तनेगी नहीं, फैलेगी नहीं, तुरंत टूट जाती है। अब आइए तीसरे नंबर पर बात करते हैं, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अपवाद में शीशा है। सुचालक का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि विद्युत इसमें प्रवाहित की जा सकती है। और अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अपवाद में है ग्रेफाइट, अधातुओं में जो इसे गर्म किया नहीं किया जा सकता, और ये ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें हम विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते। अपवाद में है ग्रेफाइट। अब आइए चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं, धातुएं ठोस होती हैं जैसे लोहा हो गया, सोना, चांदी, ये सब ठोस होती हैं। अपवाद में है पारा, पारा लिक्विड होता है, ठोस नहीं होता है, ये अपवाद में आता है। और धातुएं ठोस एवं गैस होती हैं, अपवाद में है ब्रोमीन, ब्रोमीन ठोस होती है। अब आइए हम पांचवें नंबर पर बात करते हैं जो कि लास्ट है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो धातु होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस में बदलते हैं, लेकिन जो अधातुएं होते हैं वो गलनांक और क्वथनांक इनका निम्न होता है, ये तुरंत बहुत लो टेम्परेचर पे ये गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक में यही अंतर है। गलनांक कोई ठोस चीज़ है तो वो द्रव्य में बदल जाता है, उसे हम गलनांक कहते हैं, और कोई द्रव्य चीज़ है वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे उसे हम बोलते हैं कि उसका गैसीय अवस्था बदलता है, तो उसे क्वथनांक बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को धातु और अधातु भौतिक गुणों के आधार पर अंतर बताया, इनमें क्या अंतर होती है, और आगे मैं फिर आप लोगों को रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर बताऊंगा। तो तब तक आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल कुछ भी पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।